हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मेरे के लिए एक्सरसाइज 10.12.15 का इसमें कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैंने बोला था आपको -13.6 होता है, 3.4 होता है, 1.5 होता है, 0.85 और 0.54 होती है। माइनस 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 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E1, E2, E3, E4 और E5 मतलब फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब E2 हो गया ना, ठीक है। और अगर ये कैसे आया तो ऐसे निकालना चाहो तो -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, क्लियर हो गया, ठीक है। जेड स्क्वायर अगर दूसरे के लिए करना हो तो ये भी कर देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, ठीक है। और दूसरा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमेशा ये याद रखना। अगर ये टोटल एनर्जी है ना, तो देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है ना, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 3.4 होगी और पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगी, -6.8 होगी, ठीक है। एनर्जी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में डबल होती है इसके, ठीक है। अब क्या करना, बी व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बता दिया 3.4, पोटेंशियल एनर्जी -6.8, विच ऑफ द आंसर वो वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी चेंज। इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि देखो हम पोटेंशियल को ही तो इन्फिनिटी में जीरो मानते हैं ना, तो अगर उसको जीरो को चेंज करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो टोटल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, क्लियर हो।